यस हाँ तो जैसे हम पहले लेते हैं चेकिंग आइडिया जो था ना, ये देखो इस टाइप से होता है। ये मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, बियेबल रहेगा। अब जैसे कोई पार्ट है उसको चेक करने के लिए मेरे को चाहिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर, उसकी कैलिब्रेशन डन डेट, डू डेट, कैलिब्रेशन कौन सा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो इंटरनल कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड या आउटसाइड, है ना, इन हाउस करते हैं या आउटसोर्स करते हैं, कैलिब्रेशन स्टेटस ओके है या नॉट ओके है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट इस पर लिख लेते हैं आपको। तो ये सबमिट करना पड़ता है, और जो ये नंबर होता है इसका, ये वाला नंबर, ये जाता है कहाँ पर, पार्ट सबमिशन वारंट में, जो हमको बोले थे ये नंबर कहाँ से आता है, ये नंबर वहां पर पहुंच जाता है। क्लियर, ये ये क्लियर है। नंबर का मतलब क्या है सर? इस नंबर का मतलब है आपके बहुत सारे पार्ट हो गए, बहुत सारे पार्ट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, तो ये आपके अलग अलग पार्ट का बनेगा ना चेकिंग आईडी नंबर, ये मतलब होता है इसका। हो सकता है आपके कंपनी में 10 पीपीएफ पीपीएफ हो या अच्छा, नहीं 25 पीपीएफ जैसे हो, इसमें पांच पांच पार्ट हम पांच इंस्ट्रूमेंट हैं ये, पार्ट नहीं है, पार्ट तो एक ही है कोई है, ठीक है, एक पार्ट चेक करने के लिए पांच इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है आपको। ये कोई ऐसा पार्ट है उसमें आपको सीएमएम चाहिए, माइक्रोमीटर चाहिए, हार्ट गेज चाहिए और रेडियस गेज चाहिए, ऐसा एक पार्ट है कोई, उस पार्ट को चेक करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है। सपोज दैट मान के चलो यही पार्ट है मेरा, मैं एक पार्ट रख देता हूँ इसको, ये पार्ट है, ठीक है। अब इस पार्ट को चेक करने के लिए मेरे को हार्ट की जरूरत पड़ गई, माइक्रोमीटर से डाया चेक करने के लिए पड़ गई, वर्नियर से ये स्लॉट चेक करने के लिए पड़ गई मेरे को, सीएमएम सीडी चेक करने के लिए पड़ गई मेरी, ठीक है, रेडियस गेज, ये रेडियस चेक करने के लिए पड़ गया मेरे को। ये तो इस प्रोडक्ट की डायमेंशन चेक करने के लिए मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वो लिख लिया मैंने। अब क्लियर हो गया? हेलो, यस ठीक है, ये आपका चेकिंग आइडिया हो गया। अब हम एक एक डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं, जो क्या क्या नहीं समझ में आया वो देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा चेकलिस्ट, ये हम इस प्रकार से चेकलिस्ट बना सकते हैं, इसको पीपीएफ सबमिशन चेकलिस्ट बोल सकते हैं, इसे पीपीएफ के सबमिशन पार्ट भी बोल सकते हैं इस टाइप से हम ये, ठीक है। तो जो भी पार्ट्स हैं सबके नाम लिख लिए, कौन सा हमारे लिए सबमिट करना है या नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यस या नो लिख सकते हो। तो एज ऑन कंपनी की रिक्वायरमेंट आप कैसे लिखना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, टिक भी कर सकते हैं, ये टिक 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 अप्रूव्ड हो गया भाई ये, ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल अप्रूव्ड कहाँ से हो जाएगा, डिलीट करो उसको यहाँ पे, है ना, क्रॉस का साइन आ जाएगा, जो तो इस टाइप से आप बना सकते हो ये, क्लियर। अब ये तो हमारी होगी, क्या हो गया, पीपैप सबमिशन चेकलिस्ट। अगला डॉक्यूमेंट क्या है, अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं, डिजाइन रिकॉर्ड, जो हमने बात करी थी डिजाइन रिकॉर्ड की, तो ये डिजाइन रिकॉर्ड हो गया, या ड्राइंग हो गई आपकी, पार्ट का नाम हो गया, जो भी पार्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिपेयर्ड बाई और पार्ट नंबर और डेट कब बनाया आपने, और प्रिपेयर्ड बाई का साइन और अप्रूव्ड बाई का साइन, तो ये आपके ड्राइंग का नाम हो गया पूरा, ये डिटेल पूरी बना दी हमने, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका इंजीनियरिंग चेंज नोट, ईसीएन, जो हमने बताया था, पढ़ाया था आपको, कि यहाँ पे आपका इसका डॉक्यूमेंट नंबर आ जाता है, ड्राइंग नंबर हो जाता है, कोई ड्राइंग नेम हो जाता है, यहाँ पर कुछ आपका पार्ट नंबर है, कोई डिस्क्रिप्शन हो जाता है, यहाँ पे चेंज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है हमारा चेंज करने का, है ना, रीजन क्या है, या तो बना नहीं पा रहे, हार्डनेस की प्रॉब्लम आ रही है, फिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या प्रॉब्लम कोई ब्लू होल ज्यादा आ रहा है, पिन होल आ रहा है, डायमेंशन ओवर साइज आउट साइज आ रहा है, अब आप चेंज क्या कर रहे हैं, प्रोसेस पैरामीटर कर रहे हैं, कोई डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, या कोई जो भी पैरामीटर चेंज कर रहे हैं वो लिख दिया जाएगा यहाँ पर। अब इसका जो भी इम्पैक्ट आएगा वो कहाँ कहाँ पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा आपको, किस पे पड़ेगा, हो सकता है प्राइस पे पड़े, परचेज ऑर्डर पे पड़े, है ना, पैकिंग स्टैंडर्ड पड़ेगा, तो जहाँ यहाँ पड़ेगा उस पर क्लिक किया जाएगा, प्रोसेस पैरामीटर पड़ेगा, प्रोसेस पैरामीटर क्लिक कर दिया, उसके बाद प्रिपेयर्ड बाई के साइन, प्रोसेस ओनर कौन है इसका, सिग्नेचर और डेट, ये भर दिया, उसके बाद अप्रूवल के लिए जाएगा,
उससे पहले सीएफटी मेंबर के साइंस होंगे इसमें, तो जो भी मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, क्वालिटी, परचेज, मार्केटिंग, जो जो उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट हैं, जो प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड हैं, उन सब के यहाँ पे नाम, सिग्नेचर्स और डेट, ये आपका ईसीएन फॉर्म रहता है। इस टाइप से आप फॉर्म ये भर सकते हो, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अगला आता है आपका ये अप्रूवल्स, या तो अप्रूवल आपका इस टाइप से हो सकता है कोई, या हो सकता है या कोई अप्रूवल आपका कोई बाय टेलीफोनिक, बाय वर्बल, बाय मेल, कैसे भी हो सकता है अप्रूवल, ठीक है। तो ये फॉर्म इस प्रकार से बना सकते हो, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल फॉर्म हो जाएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है आपका, इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप इस टाइप से बना सकते हो, सीरियल नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ले लिए आपने। उसके बाद आपने ले लिए यहाँ पर ये प्रोसेस नेम, जो भी आपके रॉ मटेरियल रिसीविंग, आपने टेस्ट किया, साइज बनाया, नट फोर्जिंग की इस टाइप से आपने लिख लिए, इनकी एक्टिविटी लिख ली और ये आपने लिख लिया। अब आप इस प्रकार से बना सकते हो, जो आपकी कंपनी में बन रहा है प्रोसेस फ्लो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैन आपका प्रोसेस फ्लो का क्या है कि आपके प्रोसेस का सिक्वेंस क्या बताता है, ये आपके प्रोसेस फ्लो का सिक्वेंस क्या चल रहा है वो एक्सप्लेन करता है उसके लिए। ठीक है, तो आपका प्रोसेस क्या चल रहा है वो पूरा इसमें एक्सप्लेन हो जाता है इस टाइप से। और ये डिस्पैच तक की एक्टिविटी रहती है, ये आपके लीजेंट होते हैं, ये लीजेंट आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। वैसे मैंने काफी लीजेंट बताए थे आपके, वैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो और अपने अलग से भी बना सकते हो। उसके बाद पीएफएमई होता है। सर एक बार सर वो एक बार पिछला जो प्रोसेस फ्लो के पहले जो था वो शीट ओपन करिए ना सर, एक मिनट के। ये था कस्टमर अप्रूवल, ये बोलो। सर कस्टमर अप्रूवल में ये जो फॉर्मेट होता है वो कस्टमर देता है या हम खुद बनाते हैं? देखो कस्टमर का भी फॉर्मेट हो सकता है, आप अपने फॉर्मेट में अप्रूवल ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना, कंपनी का कैसा कंट्रोल है। आप भी दे सकते हो, कस्टमर भी दे सकता है बना के, कस्टमर का कोई फॉर्मेट होगा अप्रूवल देने वाला, उसके पास होगा कोई, है ना, वो अपने फॉर्मेट दे सकता है, बाई मेल दे सकता है, बाई टेलीफोन दे सकता है, तो बाई वर्बल मेल भी हो सकता है ना। तो कैसे अप्रूवल लिया है वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर रिटर्न करना पड़ेगा कि भाई टेलीफोनिक दिया, भाई मेल दिया, भाई फॉर्मेट में आया है, तो वो कोई भी फॉर्म हो सकता है आपका। इसका कोई ऐसा नहीं कि यही फॉर्मेट चलेगा, ऐसा ही कस्टमर ही देगा आपको, सप्लायर भी दे सकता है, कस्टमर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कर सकते हो बना के, हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए, है ना। अच्छा तो ये फॉर्मेट है, ऐसा कह दो बना के दे दो, मैं इसमें अप्रूवल दे दो। अगर उनके पास है वो कहेंगे हमारे पास फॉर्मेट है तो ये अपने में दे दो फॉर्मेट में, हमें क्या करना, हमें तो अप्रूवल चाहिए, कैसे भी दे दो आप अप्रूवल, भाई मेल पे लिख के दे दो हमें तो, ओके है ना। मतलब ऐसा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं तो फिर जी मेल पे देंगे तो सर फिर उसको एज अ डॉक्यूमेंट कैसे कंसीडर करेंगे, मतलब उसका क्या कॉपी रखेंगे? डॉक्यूमेंट हो गया ना आपका मेल, उसका प्रिंट लगा दो वहां पे, मेल का प्रिंट हो जाता है ना, वो प्रूफ हो जाएगा आपके पास, प्रूफ चाहिए आपको तो, समझे? हाँ जी सर, समझ। प्रूफ चाहिए उनको तो, ऐसा नहीं कि हमें यही चाहिए वो चाहिए, है ना, प्रूफ चाहिए अपने को, तो वही लिखा हुआ ना, कैसे भी दे सकते हो आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं, पीएफएमई है। पीएफएमई में क्या करते हैं हम, जो हमने प्रोसेस फ्लो बनाया वही सीक्वेंस यहाँ रखते हैं सेम, जैसे 10 सीक्वेंस लिए और इसमें से मेन होता है आपका आरपीएन कट ऑफ, 100 पीस लिए आरपीएन नंबर कट ऑफ लिए हमने, 100 ये सारे ले लिए हमने। अब इसी बेस पे हम सीक्वेंस ले लेते हैं ये, तो जैसे हमने लिया रॉ मटेरियल का लिया हमने, तो रिसीव किया हमने, उसके बेस पे क्या किया, देखो रॉ मटेरियल रिसीव किया क्या है, हेक्स रॉड क्वांटिटी रिसीव की हमने, अगर क्वांटिटी कम हुई तो क्या होगा, लेस क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस, तो प्रोडक्ट में क्या है क्वांटिटी, अब आपका पोटेंशियल फेलियर मोड क्या हो सकता है, लॉसेस, आपके जो भी पोटेंशियल फेलियर मोड होंगे लॉसेस डिफेक्ट्स,
उसके बाद आपके पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा फेलियर का, उसका फेलियर इफेक्ट होगा आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस, अगर आपके पास क्वांटिटी कम मिलेंगी तो क्या होगा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल कॉज क्या रहेगा, पोटेंशियल कॉज क्या रहेगा आपका, पोटेंशियल कॉज रहेगा आपका कि ये क्या बोलते हैं क्वांटिटी चेक नहीं की प्रॉपर, उसने क्वांटिटी चेक नहीं करी। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसका करंट कंट्रोल क्या रहेगा, इंस्पेक्शन कराएंगे प्रॉपर तरीके से। इस टाइप से आपको एफएमई बनाना होता है जी, ठीक है। इसी टाइप से आपने कोई भी प्रोसेस ले लो, आपको नेट फोर्जिंग का लिया है आपने, नेट फोर्जिंग का ले लो, है ना। इसमें नेट लेंथ लेस, ड्रिल साइज नॉट ओके, है ना, ये सब ओके नॉट ओके लिख सकते हो, बना सकते हो इस टाइप से जी। ये सारी एक्टिविटी आप ऐसे कर सकते हो जी। और ये रेटिंग नंबर देनी होती है, रेटिंग के लिए टेबल होती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग रेटिंग नंबर दे दी जाती है। तो जो एफएमई क्लास करेंगे ना उसमें रेटिंग टेबल हम समझ लेंगे कैसे देते हैं ये। जैसे रॉन्ग सेटिंग हो गई, सेटिंग अप्रूवल करेंगे, और बेसिक कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इनकमिंग इंस्पेक्शन पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करेंगे, आप इस टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट भी मैंने आपको शेयर कर दूंगा, इसको एक देख के आप समझ सकते हैं पढ़ के, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो ये फॉर्मेट ऐसे बनाना होता है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। ये कहीं समझ में नहीं आया है पूछ सकते हो। सर ये करंट प्रोसेस कंट्रोल के अक्रेंस के आगे करना, मतलब इसको स्लाइड करना थोड़ा और पूरा दिखाना अक्रेंस। अच्छा डिटेक्शन, अगर ये हमारे रेटिंग टेबल दिए हुए 100 से अबव जाता है तो हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा इस पर, दोबारा से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आरपीएम ज्यादा जाते हैं तो 100 से अबव गए तब सब फिल करना पड़ता है यारों को हमें। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये जैसे सप्लायर ने हमने दे दिया एक करंट प्रोसेस कंट्रोल में, सप्लायर चेक करेगा क्वांटिटी 40 आया है ना, उसके बाद अगर नहीं आया 40 से ज्यादा आता है तब एक्शन लेंगे ना इसमें एग्जाम में रिकरेंस एक्शन में। अब रिकरेंस दोबारा से एक्शन क्या लोगे आप, ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए, मगर इस कैसे तो आपको जो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो कोई वैसे अगर का एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपका अगर कोई कार का एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग खुल जाता है, तो एयरबैग यहां पर रिकरेंस आ गया, आपका रेटिंग कम हो गई, आपने एयरबैग लगा दिया गाड़ी में तो उसकी रेटिंग कम हो गई। या यहाँ पर रिजेक्शन लेवल ज्यादा हो रही तो कोई पोकायो का सिस्टम लगा दिया वहां पर आपने, तो गाड़ी जब तक पूरे पार्ट नहीं हो जाएंगे इनवॉइस के अकॉर्डिंग तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी आपकी, कोई ऐसा सिस्टम लगा दिया आपने वो आएगा। तो ये तो सर प्रिवेंशन में भी तो आ सकता था, प्रिवेंशन में तो आपने लिया ही लिया ना ना एक्शन कोई ऐसा। अच्छा आपकी अच्छा मतलब प्रिवेंशन में ही ले लेते अगर हाँ, तो रेटिंग कम हो जाती, रेटिंग कम हो जाएगी तो जरूरत नहीं फिर आ गए, ठीक समझे। जो चीज प्रिवेंशन में ले लिया आपने, अब कोई चीजें प्रिवेंशन में नहीं ले पा रहे आप तो उसमें दिखाने के लिए होता है, बेसिकली बहुत कम केस होते हैं ऐसे, वो वहीं खत्म हो जाते हैं ना, वहीं हो जाते हैं। हाँ ठीक। उसके बाद आपका आता है ये कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान में आपको पूरा समझा ही दिया था पूरा डिटेल में, इसमें कुछ और पूछना है आप किसी को, ये तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था। यहाँ पे पार्ट का नंबर हो जाता है, कंट्रोल प्लान का नंबर हो जाता है, यहाँ पे लेबल हो जाती है, ये पार्ट का डिस्क्रिप्शन हो जाता है, यहाँ मोबाइल नंबर, सीएफटी मेंबर के नाम, जिस दिन डेट आपको बनाते हैं वो डेट, ठीक है, ओरिजिन डेट, ये डेट रहती है सेम आपकी है। जैसे कोई पार्ट का अप्रूवल लिया बताया ना, कोई पार्ट का अप्रूवल लिया वो डेट है ना, जिस डेट जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग किया वो, और जहाँ अप्रूवल लिया वो। अब अगर कुछ और रिक्वायरमेंट है अदर अप्रूवल की तो यस अदरवाइज एन ए नॉट एप्लीकेबल, है ना, कुछ रिवीजन होता है तो बोलो। सर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन कौन कौन क्या थी, मतलब एम का क्या मतलब था, एम का तो माइनर था लिखे थे ना नीचे, यहाँ भी लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है सी का मतलब है क्रिटिकल, एम का मतलब है मेजर, एस का मतलब है सिग्निफिकेंट, एम एन का मतलब है माइनर, ऐसा लिख सकते हो आप ना? ये सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है जैसे कि आपके कोई क्रिटिकल बहुत ज्यादा फिट फंक्शन
और सेफ्टी को भी कंसिडर करता है वो प्रोडक्ट आपका, फिट फंक्शन के साथ साथ सेफ्टी भी है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन भी है इसके अंतर्गत। अच्छा तो वो तो क्रिटिकल में भी आ जाएगा हमारा, क्रिटिकल में फिट फंक्शन में आता है ओनली। ओके कोई फिट में फिटमेंट प्रॉब्लम आएगी आपकी बस ओनली, गवर्नमेंट से कोई उसमें लेना देना नहीं है, सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो कंडीशन होगा इसका। ओके ठीक है, ये ओनली किससे होगा रिगार्डिंग आपका, ये रेगुलेशंस के। हाँ ये है, तो ये आपके अगर कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस होते हैं या कोई सेफ्टी कोई होता है तब आएगा इसमें से सिग्निफिकेंट में, आपका बहुत सिग्निफिकेंट है। क्रिटिकल में तो आपका क्रिटिकल है भाई, ये हो सकता है फिट में प्रॉब्लम कर रहा है, कोई फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है वहां तक, फिट फंक्शन तक ये देखना पड़ता है आपको। ठीक है, यही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। और ड्राइंग में दिया होता है आपका क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट, वहां से आपको देखा जाता है, है ना। और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग किसी का भी हो? नो सर। ठीक है, अगला टूल होता है आपका ये आप एमएसए, एमएसए आपने स्टडी किया ही था, हमें इसमें मेन देखना होता है हमारा ये पार्ट वेरिएशन 100% होना चाहिए और 99% तो हो ही ना चाहिए पार्ट वेरिएशन। ठीक है, और गेज अंडा 10% से कम होना चाहिए, एनडीसी वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट 5 या ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, सैंपल सिलेक्शन होना चाहिए, ये आपका पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर्स और बिट्स वगैरह ये सब ये लिखी दी जाती है यहाँ पे, एक्चुअली पूरी डिटेल बना दी जाती है ये। ठीक है, पंखा बंद कर देना। हाँ ठीक, ये है ना, तो ये सब एक्टिविटी हो जाती है यहाँ पे आपकी। ये सर ये पार्ट वेरिएशन कितना होना चाहिए हमारा? 100%, ये मैंने बताया था आपको, जैसे आपकी स्पेसिफिकेशंस है 18.2 ± 0.2, तो ये 18.4 से लेके 18 तक चलेगा, तो हमें पार्ट लेने पड़ेंगे आपके 18 से लेके और 18.4 तक के, ये पार्ट लेने पड़ेंगे आपको, तो 100% वेरिएशन हो गया पूरा आपका ये। ओके ओके ठीक ठीक है, ये समझाया था मैंने आपको, ये अपने एमएसए में समझा होगा, ये समझा था। यस सर। हाँ इसमें यही है, बाकी एमएसए हमने स्टडी किया था पूरा, वो आपने देखा होगा एमएसए स्टडी है ना। इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी इसके अलावा, कल डिस्कशन अच्छा हो गया था इसलिए आज कोई नहीं आया, आज वही तो सभी लोग होते हैं तो डिस्कस अच्छा होता है, डिस्कशन अच्छा लगता है क्लास में फिर वो। क्लियर है, वैसे कल खत्म ही हो गया था, कोर टूल अपना पूरा ही हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, बस दो चैप्टर रह गए थे। ये डायमेंशन रिजल्ट रिपोर्ट है, अब देखो डायमेंशन रिजल्ट रिपोर्ट आप कौन सी बना रहे हैं, आप उस पर टिक कर सकते हैं, एक कॉमन ही बना लिया आपने। ठीक है, आप उसके कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, एनपीटी के लिए, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल के लिए है, या आपका इनकमिंग इंस्पेक्शन के लिए है, या आपका फर्स्ट पार्ट अप्रूवल के लिए है, या फाइनल इंस्पेक्शन के लिए है, किसके लिए बना रहे हैं आप, उसी का पार्ट नंबर मॉडल नंबर लिख लो, यहाँ पे ड्राइंग नंबर लगा दो, यहाँ पे अपना ड्राइंग का फोटो लगा दो स्केच वगैरह करके, उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल डिफेक्ट लिख दो, आपके अपरेंस अप्रूवल डिफेक्ट क्या क्या है, जैसे वर डेंट जो भी क्रैक रस्ट ये सब जो भी देखना है वो देख लो आपके, उसके बाद जो टाइम से लिख के ओके नोट ओके दे दो यहाँ पे, ये ओके है नोट ओके, रिजल्ट क्या है आपका, स्टेटस ओके है, उसके बाद आपका अप्रूवल देना है या कुछ डेविशन देना है, तो डिसीजन देना है आपको कौन सा डेविशन में जा रहा है आपका, है ना, तो डायमेंशनल ओके है या विजुअल ओके है या कुछ परफॉर्मेंस ओके है आपका, या अंडर डेविशन है, या एक्सेप्टेबल है, या रिजेक्ट है, या डेविशन है, कोई एक होगा इसमें से, तो जैसे एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट पे, एक्सेप्ट है, ये रिजेक्ट है तो रिजेक्ट, परफॉर्मेंस ओके है रिजेक्ट है, ऐसे करना है आपको, और यहाँ कुछ कमेंट करके साइन करके भर देना है। तो ये तो आपने बनाते हो गए शायद, ये रिपोर्ट आपकी वही रिपोर्ट होती है आपकी, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट ना। हाँ राइट, अब देखो फॉर्मेट कंपनी का अलग अलग हो सकते हैं ये, तो उसी रिपोर्ट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो इसको। ठीक है,
तो जो भी रिकॉर्ड का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप उस हिसाब से यूज कर लेते हो फॉर्मेट को जी आप, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया आपका। अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका ये, जैसे मैंने बात करी थी टीसी रिपोर्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट, केमिकल कंजप्शन देखना होता है जैसे हमें, तो जो भी हमारा केमिकल होता है जैसे अलॉय व्हील है, एलोमोनियम चाहिए हमें इसमें से, अलॉय चाहिए या शीट मेटल है उसके चाहिए इसमें से, आयरन में क्या क्या कार्बन है, कितनी क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो वो लिख लिया यहाँ पे ये मेटल के फंक्शंस कितने है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके, ओके है नॉट ओके है इस टाइप से, तो ये रिपोर्ट बन जाती है आपकी। ये रिपोर्ट कहलाती है आपकी रेडॉक्स, जो भी आपके मटेरियल परफॉर्मेंस, ये परफॉर्म टेस्ट रिजल्ट, टीसी रिपोर्ट कह सकते हैं इसे, है ना। टेस्ट सर्टिफिकेट ये भी आप लगा सकते हो, अगर टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपका इन हाउस बना रहे हैं तो ऐसे से रिपोर्ट बना के भी लगा सकते हो आप ये, ठीक है सर। ये रिपोर्ट तो जो लैब है वो अपनी कोई भी रिपोर्ट दे सकती है ना, अगर आप कैलकुलेट निकालते हैं तो। अब जैसे कारपेट है हमारे यहाँ, तो कारपेट की जो जितने भी उसके परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उस सब वो पूरी एक ही में, एक ही रिपोर्ट में हम बना के दे देते हैं, तो वही रिपोर्ट वही लगती है ना। तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई और फॉर्मेट तो नहीं होता ना, लेकिन ये तो एक रिपोर्ट जो हमारी है वही भेजेंगे। हाँ वो दे सकते हो, अगर आपका कोई बाहर से मटेरियल के साथ रिपोर्ट आ रही है तो वो लगा सकते हो, जो मटेरियल के साथ आती है रिपोर्ट है ना, टीसी रिपोर्ट बोलते हैं उसे। अच्छा हाँ वो लगा जो रॉ मटेरियल की रिपोर्ट है जो, हाँ वो लगा सकते हो, ठीक है। ओके उसके बाद एसपीसी की बात करी थी हमने, तो ये एसपीसी का फॉर्मेट इज अलग फॉर्मेट है कोई, ये मतलब कहने का तात्पर्य वही है कि सीपीसीपी के वैल्यू देखते हैं इसमें, पीपीपीपी के वैल्यू देखते हैं, कंट्रोल चार्ट के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो जो भी सीपीसीपी के पैरामीटर दिए हैं उसको फॉलो करते हुए ये कंट्रोल एसपीसी कैलकुलेट करते हैं हम उसमें से, है ना। तो 5 का सब ग्रुप बनाया है हमने, 10 का सब ग्रुप बनाया है, उसके हिसाब से सारे पैरामीटर मीट करने चाहिए, तो पूरे उसके हिसाब से होना चाहिए आपको ये, तो यही आपका एसपीसी कहलाती है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ा टाइम लग गया जॉब पे। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। सर जो आपने जो मेरे को आज आपने जो मेरे को एक्सेल शीट भेजी थी ना, हाँ आपने जो भी देखा मैंने सीपीसीपी के निकालने के लिए जो ये शीट जो मैं चेक नहीं किया हूँ असली में, नहीं ये शीट कैसा, ये तो आपको गलत शीट उसको चेक भी नहीं कर सकता, दूसरी शीट देख लेना, ये तो किसी उसकी कंपनी की है, ये क्या बोलते हैं जो केमिकल कंपनी होती है ना, टेबलेट बनाती है, दवाइयां बनाती है, उन कंपनी के लिए है। नहीं सर जो आपने मेरे को सेंड की थी मतलब वो मैंने चेक नहीं किया अभी तक क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आते ही घर पे आते ही मैंने मतलब ऑनलाइन आया मैं, तो मतलब उसमें हमको मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत है या वो शीट कैसी है, मैं वो भी चेक नहीं कर पाया कि सारे लगे हुए हैं, जो आपने मुझे भेजे हैं वो वाले भी, एक ही शीट है उसमें तो आपके पास फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे सब ग्रुप साइज चेंज कर देना यहाँ पर ये बस, है ना, तो वो इसमें थोड़ा लगा हुआ है, सब ग्रुप साइज के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा वो, जैसे मुझे चेंज करना है सब, हाँ बस बस इसमें खाली आपको वैल्यू डालनी है ये वाली वैल्यू बस, ठीक है ठीक है, टिक टॉक करना है इसमें बस, ठीक है सर। इसमें सबका सेम ही होगा ना? हाँ सबका सेम ही होगा। अच्छा जैसे नहीं जैसे बैरिंग इंडस्ट्री से हो तो इसमें जैसे डालें क्या जैसे साइज पैरामीटर वगैरह? हाँ उन्होंने तो टैबलेट का साइज पैरामीटर डाला हुआ है बस, वो टैबलेट के केमिकल कुछ डालेंगे इसमें ये बस, साल्ट वगैरह नहीं जैसे, नहीं सर जैसे एक तो ऐसे जैसे डाया वगैरह जैसे डाया ट्रैक डाया बोर्ड डाया वैसे डालते हैं या फिर कैसे सर? उनका तो कुछ साल्ट वगैरह होता है वो डालते हैं केमिकल के साल्ट वगैरह या कुछ, नहीं जैसे बैरिंग इंडस्ट्री से पूछ रहा हूँ सर मैं, जैसे उसमें हो तब सर तब पूछ रहा हूँ सर। आपकी इंडस्ट्रीज में हो तो आपको डाया ओडी डाल सकते हो, ओडी का पैरामीटर डाल सकते हो, बिट्स का डाल सकते हो, थिकनेस का डाल सकते हो, वो सब लिख सकते हो। हाँ तो जैसे कि बोर्ड डाया ट्रैक डाया फ्लैंज वगैरह जो भी कुछ है, हाँ वो लिख सकते हो, ठीक है।
और बाकी जो एसपीसी क्लास होगी तो उसमें समझ लेना पूरा, एसपीसी क्लास होगी ना अभी नहीं। अच्छा आपने पीपेप लिया है ना, तो उसी में ही हाँ, डायरेक्ट मेरे पास पीपेप ही आया है। ठीक है एक और फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा आपको, जो वो आपके लिए उसमें काम करेगा पूरा, किसी भी इंडस्ट्री में अपने मैकेनिकल में यूज कर सकते हो उसको, है ना, जहां से रिमूव करना पड़ेगा कर देंगे उसको। अगला होता है ये, जैसे हमने बात करते हैं इसके लिए एप्रेंस अप्रूवल, जो पार्ट्स हमारा होता है ना, जैसे मैंने बात करी थी इसकी, तो जो एप्रेंस अप्रूवल होता है उसके लिए इसको यूज करते हैं हम, ये फॉर्मेट यूज करते हैं एप्रेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, इसमें कलर डेल्टा वैल्यू हो जाता है आपका पूरा, अगर इस फॉर्मेट यूज करेंगे तो बेसिकली इसमें भी दिखा जाता है सरफेस फिनिश क्या है, जो भी पैरामीटर्स क्या है आपके, वो सब लिख दिए जाते हैं इसमें, तो ये फॉर्मेट आपका हो जाता है। सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसको, लाइक सप्लायर सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट टैग डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पे लिख लो आपका पार्ट का नाम, नंबर्स, आपका कुछ चेंज इंजिन लेबल है वो, सप्लायर का नाम, सप्लायर का कोड, अब इसमें से प्लेटिंग कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं या पॉलीमर है, कुछ आता रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद सप्लायर्स वो भी स्पेसिफिकेशंस कुछ है आपका, इन्फॉर्मेशन वो लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे हम कोई भार का पार्ट है, बॉडी चेक कर रहे हैं, जो भी ओके है नोट ओके उसके बारे में लिख सकते हैं हम, ये जो भी यहाँ पे अपीयरेंस अप्रूवल है, मानी कि विजुअल चेक कर रहे हैं, कलर हो गया, डेल्टा वैल्यू हो गया, ये आपका रफनेस फिनिश हो गई, जो भी फिनिश है आपकी वो लिख लिए अपने यहाँ पे पैरामीटर्स। उसके बाद प्रोडक्ट के टेक्निकल जो भी आपके डिस्क्रिप्शन है वो लिख दिया, जैसे हम कोई सरफेस फिनिश देख रहे हैं या उसका कलर देख रहे हैं, कलर कौन सा है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, वो लिख लिया। अब इसमें से आपका मास्टर क्या है, मास्टर सैंपल्स का क्या है कलर, उससे मैच करेंगे तो मास्टर का नंबर क्या है वो लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन ओके है नॉट ओके है, अगर कुछ डेविएशन है तो वो लिख सकते हो, इफ है तो, सिंपल है ये लिखना है आपको, समझ में आया? ओके सर। मतलब वो ये अपीयरेंस जो वेरिएबल बीच के पार्ट के लिए लिखते हैं वो लिखना पड़ता है इसमें, ये अपीयरेंस क्या है, रफनेस हो गई, सरफेस फिनिश हो गई, कलर हो गया, फिनिशिंग हो गई आपकी, बिलो कलर कैसा है, क्या क्या चेक करना है सरफेस फिनिश पे, कोई डेंट, वर, रस्ट, क्रैक, ये सारी चीजें है ना। अपीयरेंस नाम से समझ आना चाहिए, अपीयरेंस का मतलब है आपका वो विजुअल। उसके बाद यहाँ पर पूरा चेकिंग किया आपने, अप्रूवल कर दिया और सिग्नेचर और कस्टमर को भेज देते हैं सप्लायर को, बस यही होता है, उसका फोन नंबर, डेट वगैरह सब जैसे बना रखा है वही चीज है। मतलब सप्लायर सोर्सिंग में हमारी स्पेक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, उसी की स्पेक की, मतलब कलर ब्लैक है, इसका रफनेस क्या है, ये सब। ठीक, अपीयरेंस पार्ट का मैंने बताया था ना आपको, जो अपीयरेंस में पार्ट क्या बताए थे, बॉडी बाहर से दिखने वाली बॉडी, सीट हो गई, सीट कवर हो गई, है ना, ओके सर, ओके। कैसी सीट है आपकी, कलर उसमें क्या है, पूरा लाइन नहीं होना चाहिए, और कपड़े की है तो उसमें से निडल लाइन नहीं होनी चाहिए, कोई धागा टूटा नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वैसे बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें होगी आपकी। क्लियर? क्लियर सर। सैंपल के लिए बताई दिया था मैंने, सैंपल आपका जैसे जेव रॉड है, ये आपका सैंपल्स हो गया, ये कौन देता है आपको, कस्टमर देता है आपको, या ड्राइंग देगा या सैंपल दे देगा, भाई ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, हमने वो बना दिया। उसके बाद मास्टर सैंपल क्या करते हैं, हम पीपेप के दौरान सबमिट करते हैं, जो पीपेप सबमिट करते हैं ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ पीपेप सबमिट करते हैं, तो मास्टर सैंपल वहां से बना के देता है, अब भाई आपका ये लॉट जो भी पीपेप पास हो गया है, ये सैंपल पास हो गए, ऐसे ही पार्ट आपको बनाने हैं, तो उस पर स्टैम्प मोहर लगा के दे देता है कि आपके ये प्रोडक्ट पास हो गया, मुझे ऐसे ही प्रोडक्शन चाहिए आपका। अब रन कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो सैंपल रिपोर्ट आती है, वो किस में आती है सर, वो सैंपल रिपोर्ट देखो दो होती है आपकी, एक तो मास्टर सैंपल होती है, एक सैंपल रिपोर्ट होती है, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जैसे आज डिस्कस हो रहा था अपना, दिन के अंदर जैसे सैंपल वाली रिपोर्ट डिस्कस हुआ था, उसके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो इसी में ऐड होता है या और किसी में ऐड होता है? इसी में होता है, देखो दो होती हैं, एक तो सैंपल रिपोर्ट होती है आपकी, देखो ये बताता हूँ पहले, ये वाला है ना, इसको देखो। नहीं सर, जैसे आईपीसी वाली सैंपल रिपोर्ट है ना, देखो ये मैं मास्टर सैंपल की बात कर रहा हूँ, है ना, ये मास्टर सैंपल हो गए आपके, ये
ये मास्टर सैंपल हो गया आपका, ये तो कस्टमर देता है आपको सप्लायर बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो आपको आता है मास्टर सैंपल हो गया, जब आप पिकअप सबमिट करते हैं तब ये बनता है आपका, ठीक है। अब बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे आज डिस्कस हो रहा था आईपीसी सैंपल रिपोर्ट मांग रहा था, हाँ तो वो इसी में ही कवर होता है या और किसी में होता है वो पूछ रहा था। इसी में कवर हो जाएगा ना आपका, आपकी सैंपल उसमें दिया होगा तो आप इसी में पिकअप के साथ दे दो बना के सैंपल उसको, ये पांच पीस अलग से जाते हैं लॉट के साथ, बस केवल उसमें ऊपर में हेडिंग के अंदर आईपीसी सैंपल रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ सैंपल रिपोर्ट आ जाएगा वो, तो मेरी रिपोर्ट बताई थी आपको, देखो एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको, ये आपने मेरे को, ये डैमेज रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट रहती है, रिपोर्ट सेम होती है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आईपीसी सैंपल कर देना है, यहाँ पर कहाँ लिखा है देखो, पायलट लॉट है आपका, पीडीआई रिपोर्ट है आपकी, कौन सी रिपोर्ट है आपकी, है ना, फर्स्ट पीस है, इनकम इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कौन सी रिपोर्ट है आपकी, ये है ना, तो यही आईपीसी रिपोर्ट हो जाती है आपकी। ये आईपीसी क्या होता है इनिस, वो फर्स्ट टाइम लेते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है बताना भाई, इनिशियल प्रोसेस कंट्रोल। हाँ इनिशियल प्रोसेस कंट्रोल है ना, ठीक ओके, प्रोसेस कंट्रोल जो फर्स्ट फर्स्ट लॉट में जाता है आपके साथ है। कहीं कहीं से बोलते हैं पायलट लॉट, पायलट लॉट के नाम से भी देते हैं इसे, ठीक है, और कहीं इनिशियल बोल देते हैं इसे, ये है इस टाइप से यहाँ पर बना चला जाएगा। तो रिपोर्ट सेम होती है रिपोर्ट वो, बट वो रिपोर्ट में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, जो पार्ट की डायमेंशन है वो ही लिखी होनी चाहिए रिपोर्ट में, इतना ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक है जी सर। जो पांच पीस दे रहे हो उसको, पांच पीस और रिपोर्ट के साथ है, तो वो पांच के पैरामीटर इस रिपोर्ट में होने चाहिए बस, क्योंकि वो चेक होते हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट पूरी चेक करता है उसको वो, तो वो ये सोचता है कि अगर ये रिपोर्ट ही सही नहीं है तो बाकी माल कैसे सही होगा फिर वो। जी सर समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी हाँ, कि आपके यही पार्ट सही नहीं है तो बाकी लॉट पे कैसे बिलीव करूं मैं। उसके बाद चेकिंग एड्रेस की बात करी थी मैंने, ये कि जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आपके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वही आपके चेकिंग में आते हैं ये। अब इसलिए चेक करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, डिजिटल बनियर चाहिए स्लॉट चेक करने के लिए, सीएमएम चाहिए इसकी प्रोफाइल और कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए, माइक्रोमीटर चाहिए ओडी चेक करने के लिए, हाइट चाहिए हाइट गेज से चेक करने के लिए, हाइट गेज भी चाहिए मेरे को, रेडियस चाहिए इसका रेडियस चेक करने के लिए। तो इतने इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं मेरे को उस प्रोडक्ट चेक करने के लिए, तो यही इंस्ट्रूमेंट चाहिए मेरे को, इन्हीं का मेरे को कैलिब्रेशन का वो चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो कैलिब्रेशन ड्यू डेट, कैलिब्रेशन डन डेट, और इंटरनल कैलिब्रेशन है या फिर आउटसोर्स कैलिब्रेशन है, इन हाउस है या फिर आउटसोर्स है, वो सब लिखना पड़ेगा आपको, हम आउटसाइड करा रहे हैं या इनसाइड करा रहे हैं कैलिब्रेशन, अब कैलिब्रेशन स्टेटस ओके है या नॉट ओके है, और ये नंबर पड़ता है यहाँ पर, ये नंबर यही नंबर आपका जाता है उसमें पार्ट सबमिशन वारंट में, ये नंबर कहाँ जाता है आपका पार्ट सबमिशन वारंट में चला जाता है नंबर ये। सर हेलो, हाँ बोलो सर, जैसे इसमें जैसे चेक उसमें भी एक कवर होता है क्या ये, जैसे गेज का अपना गेज का कराते हैं, गेज का कैलिब्रेशन कराएंगे जैसे, हाँ तो उसमें होता है क्या ये कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन तो आपको तो कराने पड़ेगा, ये तो एक अलग चीज है कैलिब्रेशन, तो आपको अलग लिस्ट बनेगी। हाँ तो उसी में जैसे ये चेक ये चेकिंग एड है ना, ये उसमें भी रिपोर्ट में लगेगी ना। नहीं 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 नहीं, कैलिब्रेशन अलग चीज होगी आपकी, कैलिब्रेशन का कैलिब्रेशन रिपोर्ट से डाटा यहाँ पे आएगा, कैलिब्रेशन रिपोर्ट का डाटा इसमें आएगा। अच्छा नहीं समझे। अच्छा जैसे एक डायल हो गया, हाँ, तो उसकी ड्यू डेट और एक डन डेट वो दोनों वो फिक्स होंगी वहाँ पे। हाँ वो आपके उसमें रिपोर्ट में होंगी, कौन सी कैलिब्रेशन वाली रिपोर्ट में होगी, प्लान में आपके ना रिपोर्ट में होगी, तो वो इसमें ऐड होगा बस केवल। हाँ वहाँ से यहाँ पे आएगा, वहाँ से केवल डाटा यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा, वन टाइम ऐड होता है ये भी, फिर बार बार नहीं चेंज करना पड़ता है, ये वन टाइम होता है ये बस, ओनली फॉर वन टाइम ऐड होता है। हाँ वन टाइम पूरी होती है जी, ठीक है जी जी। अब तो एक साल बाद फिर एक्सपायर हो जाएंगे जो, तो ये आपके है ना, फिर दोबारा रिन्यू कराना पड़ते हैं वो, तो ये रिन्यू नहीं होता है, ये तो बस वन टाइम एक्टिविटी होती है आपकी, पीपा वन टाइम पे चला गया बस खत्म। अच्छा आप कैलिब्रेशन होना चाहिए बस, आप जब भी देखेगा ये इंस्ट्रूमेंट को इस नंबर को, तो ये इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होना चाहिए आपके पास, बस ये है।
अब दिखा सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट हमने पास कराए थे, तो ये इंस्ट्रूमेंट थे हम ये यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं, या इनकी जगह पे रिप्लेस हो गए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट आ गए हमारे, तो वो आप दिखा सकते हो नॉट ऑडिट में। सर एक बार साल में एक बार देना होता है बीपीएम डॉक्यूमेंट्स? साल में एक बार नहीं, साल में जब पीपीएफ कब कब देना होता है, कब बताया था मैंने, प्रोडक्शन पार्ट को जब अप्रूव करवाना होता है। हाँ, प्रोडक्ट पार्ट अप्रूव कराना होता है, या कोई हमारा पार्ट में चेंज होता है, या कोई प्रोसेस चेंज होता है, या कोई सब सप्लायर चेंज होता है, तो ये देते देते कब है, मतलब कोई भी इसमें से? अच्छा, कोई भी नया पार्ट का जैसे अपन कर रहे हैं उस टाइम में पीपीएफ बना के देते हैं वो। हाँ, और सर नए पार्ट में तो देते ही हैं, लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है ना, अगर कि जैसे पीपीएफ में हमको उनको 6 महीने बाद भी चाहिए कुछ चेंजेस किया वो भी हो गया। और मैंने पढ़ाया था पूरा आपको, ये पीपीएफ की रिक्वायरमेंट कब कब होती है, नया इंस्ट्रूमेंट नया कुछ हमने चेंजेस कर दिया मशीनरी में। हाँ, या फिर हमने सप्लायर चेंज कर लिया। yes, या हमने कस्टमर ने मांग लिया, हमने हमारे प्रोसेस में कुछ भी अगर चेंजेस किए हैं तो सबमिट हम कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो, अगर सामने वाला नहीं मांग रहा है तो वो रिक्वायरमेंट हो तो उनको वो आगे वाले जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती है तब। नहीं नहीं लेकिन लेकिन सर रिक्वायरमेंट हमको प्रोसेस के लिए हमारा तैयार रहना पड़ता है, हमको जो भी है उसको हमारे अपडेट रहना पड़ता है अगर मांग ले तो। ये देखो अब मैंने यही तो पढ़ाया था आपको, आपने सब भूल गए इसको, क्या लिखा है, न्यू पार्ट के लिए, इंजीनियरिंग चेंज के लिए, यही लिखा रहा है ना, टूल कोई ट्रांसफर करते हैं, कोई टूल की रिक्वायरमेंट हो तो टूल चेंज होता है आपका, या कोई एक साथ से टूल बंद पड़ा हुआ था, या कोई सब सप्लायर चेंज हो गया आपका। कहने का तात्पर्य यह है कि पीपीएफ इज रिक्वायर्ड विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज प्रोडक्ट टू प्रोसेस, अगर आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो आपको पीपीएफ की सबमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये तो चलो सर हमारे एंड से हो गया, कस्टमर कब मांगता है, मतलब कि कस्टमर भी तो अभी भी मांग सकता है उसके, तो जब वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ एक ओ, एक तो होगा ना क्राइटेरिया कि इस टाइम पे मांगेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है उसका। नहीं, सर हम लोग हम जो मशीनरी बना रहे थे वो 2-1.5 साल पहले से हम लोग उसका ट्रायल चालू था। हाँ। और 1.5 साल बाद उन्होंने मांगा पीपीएफ। हाँ मैं बता दूं वो कितने मांग सकते हैं वो तो। ओके वो 1.5 साल बाद मांग सकते हैं, 6 महीने बाद मांग लें आपसे, या फिर वो फर्स्ट पार्ट अप्रूवल दे रहे हैं तभी मांग लें आपको, ये मतलब जब आईपी लोड देते हैं ना मुझे, इनिशियल प्रोडक्ट सैंपल देते हैं तभी मांग लें पीपीएफ वो, ठीक है, डिपेंड ऑन आपको। मैं ये याद रखना है आपको जब देना है हमें, ये क्लियर? यस सर। उसके चेकिंग आइडियाज हो गया हमारा ये, इसके बाद आता है हमारा कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको लिस्टेड करके रख लें सीएसआर को, क्या सीएसआर कस्टमर ने क्या क्या मांगी है वो, अगर नहीं है तो एनए कर दो, कोई सीएसआर नहीं है आपके पास, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है आपका ये पार्ट सबमिशन वारंट, पार्ट सबमिशन वारंट हमने पूरा पढ़ लिया था पूरा डिटेल में, ये सब हमने पढ़ लिया था पूरा, भरना है इसको, अगर इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें से कुछ रिगार्डिंग, आपको पढ़ना दोबारा से देखना, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा सभी को, तो इसके क्वेश्चन आंसर जरूर भरें, मैं इसीलिए कहता हूं अगर क्वेश्चन आंसर आप भरेंगे पढ़ के भरेंगे तो आपको क्या होता है कि पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा पीपे पढ़ाया है मैंने तो उसका पूरा रिवीजन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। ये मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहा हूं, तो आज देखना कल देखना और कल शाम को हम डिस्कस करेंगे फिर, क्योंकि पीपअप आपका पूरा खत्म हो चुका है, यही यही पीपअप होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है पैकिंग का स्टैंडर्ड, कोई मांग लेते हैं तो पैकिंग स्टैंडर्ड ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है, तो पैकिंग का जो टैग बन के जाता है, टैग लग के जाता है, और ये पैकिंग का ये फॉर्मेट होता है, ऐसे भी आप बना सकते हो, तो ये सब अलग अलग होता है, ये क्लियर ऐसे ही। हेलो, हाँ बोलो सर, ऐसे ही आईपीसी का टैग भी बने, ऐसे ही बनेगा क्या? हाँ ऐसे ही बना, बने सुखे बनेगा आईपीसी का टैग भी। हाँ ऐसे टैग बना के सैंपल लगा के ऊपर और भेज दोगे रिपोर्ट, रिपोर्ट तो वही रहेगी आपकी, वो रिपोर्ट तो वही हो जाएगी। नहीं रिपोर्ट तो वही रहेगी, फिर बाद में उसके साथ आईपीसी टैग मांगता है तो टैग ऐसे बना के देना है। हाँ टैग ये लग जाएगा आपका, ये
ठीक है जी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आईपीसी टैग के अंदर? अब देखो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या होता है, पार्ट का नाम है ना, और क्वांटिटी, सैंपल क्वांटिटी और सैंपल डिटेल्स, डिटेल्स उसमें डिस्क्रिप्शन, पार्ट का नाम, ये सब डिस्क्रिप्शन चला जाता है ना, वो सब डिटेल्स होती हैं, वो हीट नंबर, बैच नंबर, वो ट्रेसिबिलिटी नंबर, वो सारे चीज आ जाती है, लॉट नंबर हो गया, जम्बू रोल वगैरह, कोई जो नंबर है, बैच नंबर हो गया, जम्बू नंबर हो गया, वो सब एक्टिविटी आ जाती है इसमें से, जो मैन में ट्रेसिबिलिटी के लिए मैनू होती है ना वो सब आ जाता है जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सैंपल प्रोडक्ट के लिए, जैसे आपका मास्टर सैंपल भी रहते हैं ना ये, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इस टाइप से हो सकता है, देखो ये गया टैग का, ये पूरा आ रहा है इसमें, देखो ये है ना, ये पीपीएफ का सैंपल प्रोडक्ट का टैग है, इसमें क्या गया आपका सप्लायर का नाम आ गया, आपका पूरा पार्ट नंबर आ गया, जो भी आपका लेबल आ गई आपकी, कुछ रिविजन लेबल है क्या, और ये पार्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया पूरा, डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई, आपके सैंपल कितने थे, कितने तक दिए थे, क्या डिटेल है, और भी ऐड कर सकते हो इसमें क्वांटिटी अलग अलग बाकी हिसाब से आप, है ना सर। इसके डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे ना आप? हाँ हाँ मैं शेयर किया ही, मैंने आपको नहीं किया था, मैं कर दूंगा सभी को अभी मेरे को, है ना। मैंने और इसका पीपीटी भी सर, हाँ पीपीटी कर देता हूँ मैं, है ना, हाँ दोनों भी कर दीजिए सर। ठीक है, पीपीटी किया हूँ शायद, क्या मैं कर दिया हूँ वैसे पीपीटी में सभी को? नहीं सर, पीपीटी नहीं किया। ठीक है, पीपीटी ओल्ड वाली रहेगी वो, है ना, और पीपीटी में कोई ज्यादा नहीं है, पीपीटी वही है सेम, उसमें क्या है इसमें थोड़ा सा और पैसे बना रखा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पर्पस की दिया है, है ना।